सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम टू अम्मार फारूकी ऑफिशियल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, और मेरा लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा जी, आज हम लोगों को जाना है फॉर आर ग्लासेस। मैंने कुछ अपने आई ग्लासेस बनने के लिए दिए हुए हैं और विजन एक्सप्रेस में, और ये मेरा बहुत 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 पुराना, तकरीबन 14-15 साल पुराना मेरा बंदा है, जिससे मैं दोस्त है, मेरा भाई है, जिससे मैं ये ग्लासेस लेता हूं, तो उनकी शॉप भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा। और उसके बाद आज फॉर अ चेंज हम लोग किसी लाइक कैजुअल डाइनिंग में नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग फूड स्ट्रीट खाने जा रहे हैं ऑफ बोर्ड बेसन। और बच्चों को आज मैं लेकर जा रहा हूं, बच्चे जो है वो हमारे थोड़े से जरा वो करते हैं, जब फूड स्ट्रीट पर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं हम क्यों जा रहे हैं यहाँ, और इनको रेस्टोरेंट्स पसंद है और हमें फूड स्ट्रीट पसंद है। तो आज मैं बच्चों को फूड स्ट्रीट भी लेकर जाऊंगा, इट विल बी एन अमेजिंग व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल व्लॉग। ओके जी, सो अभी हम लोग आए हैं ग्लासेस लेने के लिए, कुछ ग्लासेस की शॉपिंग है, और ये आई विजन है ऑन मेन 26 स्ट्रीट, एंड मेरे लिए बहुत अच्छी शॉप है। आई बीन कमिंग हियर पिछले कोई 10-12 सालों से, मैं इधर आ रहा हूँ और यहाँ के लोगों से भी मिलवाते हैं और अंदर से शॉप भी आप लोगों को दिखाते हैं। सो कम ऑन। तो मुझे इस शॉप पर आते हुए तकरीबन कोई 10 से 12 साल हो चुके हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा ही मैं कहूंगा, और ये बिल्कुल मुझे लाइक मेरी अपनी शॉप है। तो कोई भी आना चाहे प्लीज जरा यहां से आप दिखाइएगा जरा जो इनके पास जो वैरायटीज मौजूद है। और आज हमने अपने ग्लासेस दिए हुए थे, और आ जाए आगे। अच्छा जी, ग्लासेस बन रहे हैं, आ जाइए। और ये मेरे ग्लासेस हैं जो कि इस वक्त साफ हो रहे हैं, एंड लुक एट दीज ग्लासेस, इज इट लुकिंग ओके। एक ये वाला है और एक ये वाले ग्लासेस हैं, तो आप लोग बताइएगा ब्लैक या वाइट कौन सा वाला फ्रेम आप लोगों को अच्छा लगा है। तो लेट्स गो, एंड मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ये दिखाइएगा, सारे सनग्लासेस दिखाइए। अच्छा, ये इनके पास पूरी वैरायटी मौजूद है, ये देखिए, और ये इनके पास सारे सन ग्लासेस की बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है। उसके बाद ये वाले ग्लासेस हैं इनके पास, ये फ्रेम्स हैं, और कुछ फ्रेम्स इनके पास यहाँ लगे हुए हैं, अच्छा जी, इन्हीं के पास यहाँ पर ये सिस्टम भी लगा हुआ है जी, जिसमें आई टेस्ट होती है, और मशीन सिस्टम भी है, और ये वाला सिस्टम भी है, और ये यहाँ के कर्ता धरता है वकास साहब, और यहाँ पर लाइक आई बीन कमिंग है, आप इधर आ जाए ना जरा, सॉरी, हाँ आप इधर आ जाए। अच्छा, हाँ अब आप बताइए मुझे कितना अरसा हो गया इधर आते हुए, और भाई वो हो गया यहाँ पे 24 इयर्स नाउ, या हाँ आप सब जब भी आना हो मेरे नाम पर डिस्काउंट मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको, हम 10% डिस्काउंट हमारे ये सारे कस्टमर्स। चलें जी, अब ये भी हो चुका है, और ये वकास साहब, और ये बहुत ही जबरदस्त सर्विसेज हैं जी इधर, और मैंने आप लोगों को ये दिखा दिए सारे फ्रेम्स वगैरह। एंड ही इज अ वेरी नाइस गाय, और जो प्राइसेस मैं बोलता हूँ उसी प्राइसेस के ऊपर हमें हर चीज मिलती है, और मेरी पूरी फैमिली इधर ही से ग्लासेस लेती है, फैमिली फ्रेंड्स, और वैरायटी बहुत है। और ये वाले फ्रेम्स देखें जी, ये पहले मैंने नहीं दिखा सका था, ब्रांडेड हैं, अनब्रांडेड हैं, सारे फ्रेम्स आपको इधर से मिलेंगे।
और ये देखें जी, ये स्पेशल, ये वाला कलेक्शन देखें जी आप, और ये देखें, वाह वाह, आई लाइक दिस फ्रेम। ये पूरा विंटेज कलेक्शन बॉक्सेस खोले हैं इन्होंने ताकि आप लोग एक नजर देख लें फ्रेम्स। वाह। और जी अब तो वकास साहब ने भी कह दिया है, मेरे नाम से आप लोग आएंगे तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा पूरे जो भी चीज आप लोग लेंगे। और ये सारा आपको मैंने विंटेज कलेक्शन इनका दिखा दिया है, एंड इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड प्लीज डू कम ओवर। थैंक यू। और अब मैं अपने ग्लासेस ले लूं यहाँ पर। और ये जी ग्लासेस के बाद अब हम लोग आ चुके हैं बोर्ड बेसिन की फूड स्ट्रीट पर, जहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कूलेन बर्गर है और मोबाइल आउटलेट्स हैं, और हम लोग जाएंगे बेसिकली फ्लेमिंगो। और ये पूरी बेसिकली फूड स्ट्रीट है, और यहीं पर टीपू बर्गर भी है, लिमका वाला भी है, पेशावरी आइसक्रीम भी है, और इट्स वन ऑफ दी फूड स्ट्रीट्स इन कराची। और ये आ गया जी नारियल पानी, जिन लोगों को पसंद है नारियल पानी का अलग स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर ये देखें जी वॉफल्स आ चुके हैं, वॉफल्स का स्टॉल अलग लगा हुआ है द वॉफल क्लब के नाम से। और हमारी फैमिली मेरे ख्याल में यहाँ बैठ गई है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ये हमारा बहुत फेवरेट है। और ये आ गई एज यूजुअल पान शॉप आ चुकी है जी, आप लोगों ने देखा होगा। और अब वो साहब ने हमारी फैमिली बैठ गई है, और वहीं जाकर बस अब मैं बैठ रहा हूँ, और इंशाल्लाह फिर हम लोग ऑर्डर देते हैं। ये आप लोग रश देख सकते हैं कि कैसा ज़बरदस्त रश लगा हुआ है पूरे उसमें, और ये कराची की वाइब्स हैं बेसिकली। और बस अब हम बैठकर ऑर्डर देते हैं। ओके जी, सो सॉरी मेरी मीठी पूरी आ गई थी जिसका मैं व्लॉग नहीं बना सका। ये आ गया जी हमारा बन कबाब, देसी बन कबाब। ये आ गया है पानी पूरी, ये एक बन कबाब और आ गया है, और ये देखें जी इट्स ऑल दाल, इसमें सिर्फ दाल है एंड ड्राई मैन इज होल्डिंग इट फॉर अस। ये देखें एंड इट्स वेरी गुड, ड्राई मैन टेक अ बाइट। हाँ जरा यू कैन टेक अ बाइट। और ये आ गया जी हमारा चिकन रोल, चिकन चटनी रोल आ गया, एक रहमा का और एक हमारी आदो का, और एक रहमा का। रहमा का पहले मैं जरा फीडबैक ले लूं। रहमा पहले फीडबैक, फर्स्ट फीडबैक, नो नो पानी से पहले फीडबैक। बन कबाब इट्स गुड, ओके। और हाजरा का भी बर्गर रह गया है, अभी हाजरा का बर्गर आ रहा है। कैन यू गिव हर वाटर प्लीज। और ये देखें जी सामने फालूदा है, वेप रखा हुआ है। अच्छा जी ये आ चुका है हाजरा का क्रिस्पी चिकन बर्गर, एंड हाजरा इज ओपनिंग द केचप, एंड रहमत टेक अ बाइट। एक्सक्यूज मी मैडम, हाउ वाज योर चिकन रोल, चिकन चटनी रोल? चिकन चटनी रोल, एंड रहमा जल्दी से टेक अ बाइट। इट्स गुड आदिया, इट्स गुड आउट ऑफ 10? 10 रहमा आउट ऑफ 10? 9.5, ओके। एंड व्हाट अबाउट द बन कबाब? 10, ओके। Your burger out of 10? 10. अच्छा जी, और ये स्पेशल परमिशन लेकर जी मैं अंदर आया हूँ, और यहाँ पर अच्छा जरा आप मुझे थोड़ा सा गाइड करोगे कि इस स्टेशन के ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर रोल बनते हैं यहाँ पर, चिकन रोल, चिकन रोल, मलाई रोल, गार्लिक रोल, ओके।
और यहाँ पर जी इन लोगों का पराठा है। और आप सिर्फ और सिर्फ सफाई देख सकते हैं आप लोग कि स्ट्रीट फूड को जो कहा जाता है और हाइजीनिक तरीके से बकायदा पूरा। और ये देखें ये लग रही है कौन कौन सी बोटी, मलाई बोटी, चिकन बिहारी बोटी, बीफ बिहारी बोटी, चिकन बोटी। चार्ट काउंटर आ चुका है और आप ये देख लें ये चार्ट काउंटर आप देख सकते हैं फ्लेमिंगो का। और ये इनकी सारी चटनियां हैं जो कि सारा टेस्ट क्रिएट करती हैं। ये इनके फ्रेश गोलगप्पे हैं। अच्छा काफी जगहों पर आप लोगों ने जाकर देखा होगा कि जो गोलगप्पे होते हैं उसमें से एक अजीब स्मेल या वो आ रही होती है। मैं आप लोगों को ये देखें जी उसमें बकायदा ये आवाज भी आ रही होती है जो बताती है कि ये फ्रेश है। और अच्छा एक 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 मीठी पूरी बना दो ना यार मेरे लिए। अच्छा और ये फ्लेमिंगो बॉस फ्लेमिंगो को कितना अरसा हो गया यहाँ? 38 साल। यानी 20-24 साल से तो मैं आ रहा हूँ, ये तो मुझे पता था। और ये बहुत ही छोटी वो थी और अब माशाल्लाह 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 इन्होंने तरक्की देखे। और ये मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगी। और सबसे अच्छी चीज है ये देखें जी इन्होंने बाकायदा ग्लव्स पहने हुए हैं, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और इसी वजह से। और ये पापड़ी आ गई है। और ये वाला कौन सा मसाला है? चाट मसाला। अच्छा जी ये चाट मसाला है, स्पेशल चाट मसाला डाला है इन्होंने। ये थोड़ा सा नमक डाला है। और ये जो है ये सारी चीज की वो है, ये सारी होममेड रेडीमेड नहीं लेते हैं। चटनी क्या मसाला क्या दही क्या सब अपने ओके सर। एक दाल क्या अपने मूंग की दाल के आटे का मिक्स करके बनाते दही बड़ा। ओके वो भी दही बड़ा हम खुद ही बनाते हैं, मिजान तेल में बनाते हैं। ओके इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मार्केट की हो। तो सर जब आपने ये स्टार्ट किया था क्या सोचकर स्टार्ट किया था? आपको ये पता था कि 38 साल बाद ये आप लोगों की मोहब्बत थी, अल्लाह की मेहरबानी थी। हमारा ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे, अल्लाह ने हमको पहुँचा दिए। बड़ा शुक्र है उसका हमको और आप लोगों की सबकी मोहब्बत ने हमको यहाँ पहुँचाया है। बहुत जबरदस्त भाई। आप बताइए आपका अंकल से क्या ताल्लुक है? आप ये मेरे चाचा है। ओके और इन्होंने एक और बात नहीं बताई, इसी मार्केट में 38 साल पहले एक वेटर हुआ करता था और उसी से इन्होंने स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह देखें कहाँ पहुँचा है अंकल। तो ये तो यानी ये तो भाई इंस्पायरिंग स्टोरी है माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। इस तरह की बेतहाशा स्टोरीज हमारे पास मौजूद है लेकिन आज मैं पहली दफा लाइव स्टोरी इस तरह की कर रहा हूँ जिसमें आपने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू। और ये बन रहा है जी, अब हमारी चटनियां बन रही है। और इधर देखें जी वेटर्स का रश देखें माशाल्लाह जबरदस्त। और यहाँ पर इन लोगों का ये अच्छा स्लश वगैरह भी है। और ये बन चुका है हमारी ओहो जबरदस्त ये देखें जी ये फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है और बहुत ही यमी लग रहा है जो कि अभी मेरी टेबल पर जाकर मैं खाऊंगा और फिर आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा और अब हमारे हैं आपको स्पेशल कॉकटेल बनना। अच्छा अब ये स्पेशल कॉकटेल बन रहा है जी, चलें और ये मेकिंग का प्रोसेस आप देखें कॉकटेल का। और जो भी लोग इधर आए और आज इतनी इंस्पायर्ड स्टोरी मैंने सुनी है कि 38 साल पहले एक बंदा जो कि वेटर था और आज माशाल्लाह 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 उनके पास अपने मेरे ख्याल में 15-20 वेटर्स तो होंगे हैं
25+ अच्छा, आप इधर क्या करते हो? मैं बेसिकली मैनेजर हूँ, यहाँ पर सब हैंडल करता हूँ। ओके, जी जी बिल्कुल, पूरा किचन भी अंडर में है और बाकी सब चीजें भी यहाँ पर मेरे अंडर ही चलती है। ये जो टेस्ट मिल रहा है आपको और ये जो किचन की सफाई है, ये सब इनकी की वजह से है। और अब ये देखें जी, इन्होंने फ्रूट्स डाले हैं और अब ये कॉकटेल तैयार हो रहा है। और ये आप लोग इसलिए मैं दिखा रहा हूँ हर चीज, खास तौर पर फ्लेमिंगो की, एक तो बहुत पुराना हमारा साथ है। और जो कुछ लोग जो कहते हैं जी ये स्ट्रीट फूड हाइजेनिक नहीं होता है, और ये बकायदा देखें प्रॉपर ग्लव्स पहने हुए हैं और सर के ऊपर ये बांधा हुआ है, हेड वगैरह सारा कवर्ड है। और ये देखें जी, और ये हो रहा है शेकर तैयार जूस। और ये इंस्पायरिंग स्टोरी है जी, मैं तो फैन हो गया हूँ अंकल का, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है माशाल्लाह। ये और ये कॉकटेल इनका अपना वो है, स्पेशलिटी है फ्लेमिंगो की। और ये जो भी इधर आए ये व्लॉग देखने के बाद, प्लीज जरूर ये वाला कॉकटेल ले, डार्क फ्लेवर कॉकटेल है। और इस वक्त मैं और अंकल खुद माशाल्लाह सर्व कर रहे और मैं बहुत 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 ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे लिए बहुत ही एक, बार बार मैं कह रहा हूँ कि देखें, एक बंदा जो 38 साल पहले यहाँ वेटर थे और आज माशाल्लाह माशाल्लाह उनके पास अपनी पूरी फौज मौजूद है एंड अपना काम। और देखें उससे फायदा ये हुआ है कि काम खुद ही करने से, और लाइक मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। मुझे ये बात वाकई में नहीं पता थी, मुझे आज पहली दफा ये बात पता चली है। और यहाँ पर धड़ाधड़ काम चल रहा है। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हम लोग हर चीज जो है ना फ्रेश बनाते हैं, चटनियाँ और चने और हर चीज यानी कि डेली बेसिस पर रेडी होती है, इन पे डेट लिखी होती है फ्रूट्स और ये हर चीज। ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये जो डेट कह रहे हैं ये देखें जी 22/2 और 26/2 को एक्सपायर हो रही है, हर चीज के ऊपर डेट लिखी हुई है। और आप सिर्फ सफाई देख सकते हैं, वरना लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि जी सफाई नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर जी कूलर भी रखा हुआ है ताकि एम्प्लॉयज को अपना आराम से गर्मी सर्दी में। और जितना पानी यूज होता है वो मिनरल वाटर होता है, कोई सादा पानी यूज नहीं होता है, ठीक है ना। पानी पूरी का पानी, चटनी में पानी जो भी है वो मिनरल वाटर यूज होता है, यहाँ तक के स्टाफ पानी पीता है वो भी मिनरल वाटर होता है। अंकल अच्छा एक चीज और, लोगों को शिकायत है स्टाफ के खाने पीने का क्या करते हैं? खाना पीना स्टाफ का, नाश्ता डिनर और लंच तीनों यहाँ से होता है, तीनों टाइम भी चाय यहाँ पे होती है, यूनिफॉर्म यहाँ से दिया जाता है इनको। अच्छा जबरदस्त, सब यहाँ से होता है भाई। मैं खाना अपनी मर्जी से सब्जी मंगवाते हैं, फ्रेश 10 दिन में एक बार चिकन होता है, फिर कभी सब्जी कभी दाल, ये इनकी मर्जी से मंगवाते हैं। अच्छा, और इनकी रिहाइश भी आपने दी है? रिहाइश नहीं, रिहाइश इनकी अपनी अपनी, रिहाइश सबकी अपनी अपनी, अलग अलग जगह से है सब। ओके, और अंकल इस वक्त आपके पास कितना स्टाफ होगा? मेरे पास तकरीबन 40 से प्लस है। मैंने तो 15-20 बोले थे, अंकल बता रहे 40, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। चले जी अब हम चलते हैं और ये आप देख सकते हैं, और जाकर अपना खाना और पीते हैं। अंकल ने खुद बनाकर जो फ्रेश जूस जो मुझे दिया है, और ये सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आकर जरूर पिए, ये इनकी स्पेशलिटी है इधर की। अच्छा जी, आप स्ट्रीट फूड खाओ और उसके साथ लिमका ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और अब हम लिमका बनवा रहे हैं और आप ये देखें जी, और ये लिमका तैयार हो रहा है हमारा। मैंने पहले भी व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था एक दफा लिमका, और द बेस्ट पार्ट इज दिस, ये और ये लिमका तैयार हो रहा है हमारा। ये भाई थोड़े से गुस्से में नजर आ रहे हैं, स्माइल कर दिया करो यार, लोग देखते हैं ना व्लॉग में, वो कहते हैं स्माइल। और ये आ गया हमारा लिमका। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। आज अभी बहुत लेट हो चुका है, आप लोगों को काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि हम लोग फिर लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे और बच्चे अब सारे चेंज करने गए। मैंने कहा इतनी देर में मैं जल्दी से अपना व्लॉग एंड कर लूँ, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आप लोग अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखेंगे, छोटों से प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएंगे। एंड
प्लीज मेरा एक मैसेज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड यस प्लीज टू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो. अम्मार फारूकी ऑफिशियल साइनिंग ऑफ.